हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वाइट बटर से बटर बनाएंगे। जो अमूल बटर हम खाते हैं घर में वो बनाएंगे। ये मैंने बनाया है घर में, बहुत टेस्टी बना, इसीलिए मैंने बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया। देखिए, वाइट बटर लेंगे हम, इसे बाउल में निकालेंगे, कंच के बाउल में। इस तरीके से हम इसे इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, जैसे आपने बटर चेक किया है, खाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे हल्का सा। ये हमारा मेल्ट हो रहा है। घर पर बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, खुद हाथ से बना के। देखिए, हम अपना बटर चेक करते हैं, मेल्ट हो चुका है। इसे हम मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब हम इसे एक रात के लिए फ्रीजर में रखेंगे। उसके लिए हम एक डिश लेंगे, इसमें हम, अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो बिछाइए। मैं इसमें फॉइल पेपर लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे फॉइल पेपर, फिर इसमें हम ये डाल देंगे। इसके बाद हम दूसरे फॉइल पेपर से इसे कवर करना, पूरी तरह से इसे कवर कर देना है। ऐसे कवर करके सील कर देंगे, फिर इसे एक रात के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे। हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, इसे मैं आपको दिखाऊंगी और इसे मैं रख देती हूँ। देखिए, जो हमारा पहले मैंने बना रखा है उसे हम चेक करते हैं। हो गया है, देखिए हमारा ये बटर रेडी हो चुका है बनके। जरूर बनाना, चेक करना, फिर बताना मुझे कैसा लगा। मैंने बना के ऑलरेडी बच्चों को खिला चुकी हूँ, बच्चों को पसंद आया, इसीलिए मैंने ये दोबारा से बनाया है। बहुत टेस्टी लगता है और ऐसा ही लगता है, ये एक तरीके से हमारे लिए हाथ का बना हुआ हो गया, हेल्दी हो गया। तो थैंक यू।